Hello students, welcome to biology class. This is your preparatory assignment number 2, short answer type questions. Difference between cartilage and bone. Now cartilage, it is soft, elastic and flexible. जो कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है. बोन, इट इज टफ, रिज्ड एंड इन इलास्टिक. जो बोन होता है वो टफ होता है. अब जब बोन को टच भी करोगे अपने हैंड में तो वो क्या होता है, टफ नेचर का होता है, रिजिड होता है एंड इन इलास्टिक होता है. इट डज नॉट हैव डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कार्टिलेज में किस कोई भी डिपोजिशन नहीं होता कैल्शियम का और फॉस्फोरस का. बोन में इट कंटेन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. इसमें डिपोजिशन होता है कैल्शियम का भी होता है और फॉस्फोरस का भी होता है. इट लैक्स हर्वेशियन कैनल. इसमें हर्वेशियन कैनल कम होता है. अ लॉन्ग बोन हैज़ अ नंबर ऑफ हर्वेशियन कैनल सिस्टम्स. एक लॉन्ग बोन में नंबर ऑफ हर्वेशियन कैनल सिस्टम्स होते हैं. इट मैट्रिक्स लैक्स ब्लड वेसल. इसके जो मैट्रिक्स होता है उसमें ब्लड वेसल कम होता है. इट मैट्रिक्स हैज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल. बोन में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल होता है. बेसिकली ये कार्टिलेज और बोन किसके टाइप है, स्केलेटल टिश्यू के टाइप से, ये स्केलेटल सिस्टम के टाइप है कार्टिलेज एंड बोन. ठीक है, जो कार्टिलेज होता है ये बेसिकली आपको कहाँ पर मिलता है, आपके ईयर पिन्ना में, नोज में. जो बोन होता है ये हार्ड होता है वो आपको पता है. ठीक है, डिफाइन टिश्यू. अ टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन. टिश्यू क्या है, टिश्यू क्या ग्रुप ऑफ सेल्स से बनता है. बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल, जो सेल होते हैं वो बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं. और टिश्यू क्या करता है, स्पेशलाइज और एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है, वट आर द मेन टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज. अकॉर्डिंग टू शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, द प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली मेरिस्टमेटिक टिश्यू और ग्रोथ टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. अब प्लांट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं. एक मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है जिसको हम ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं. बेसिकली जो ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है वो प्लांट की ग्रोथ और थिकनेस में काम आता है. और परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये दो टाइप के टिश्यूज होते हैं. ये अकॉर्डिंग टू शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लांट्स के अकॉर्डिंग हमने जो टिश्यूज को टू टाइप्स में डिवाइड किया, मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. अब मेरिस्टमेटिक टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशंस देयर आर थ्री टाइप ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यूज. बेसिकली जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं वो थ्री टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू. ये जो तीनों टिश्यू है ये बेसिकली प्लांट के ग्रोथ में काम आते हैं. अब ग्रोथ किस तरीके की, जो एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू है ये प्लांट की हाइट के लिए काम आता है. लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू है किसके लिए, कि जो प्लांट है वो थिक है कि थिन है, वो इसके लिए ये टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है. जो इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है, अब क्या होता है, जो प्लांट्स को एनिमल ग्रेस कर देते हैं ना, ग्रेस करने के बाद वो इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या करता है, जो वो प्लांट्स की जो लीव्स को एनिमल ग्रेस कर लेते हैं उनको रीग्रो करते हैं. ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यूज. एनुमरेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. अब परमानेंट टिश्यू के टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने. परमानेंट टिश्यूज डू नॉट डिवाइड एज दे लॉस देयर पावर ऑफ सेल डिवीजन और डिफ्रेंशिएशन. परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं वो कीप ऑन डिवाइडिंग होते रहते हैं और वो एक टाइम पे आके क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं और वो अपनी पावर को लॉस कर देते हैं डिवीजन की. दे हैव अ डेफिनेट फॉर्म एंड साइज. इनका जो डेफिनेट फॉर्म होता है और साइज होता है. नेक्स्ट, स्केलेटल मसल्स आर वॉलंट्री इन नेचर. वाई, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वॉलंट्री होते हैं नेचर में. क्यों, बिकॉज दिस मसल्स आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल एंड थस इनवॉलंट्री इन फंक्शन. द वॉलंट्री नेचर ऑफ दिस मसल्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड इट पार्ट्स अंडर अवर विल.
because these muscles are not under our control and thus involuntary in function. क्योंकि जो skeletal muscles क्या होती हैं वो अपने control में नहीं होती हैं और वो involuntary function perform करती हैं. The voluntary nature of these muscles, इस जो voluntary nature होते हैं, nature की होती हैं muscles, वो क्या करती हैं, अलाउ द मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी की मूवमेंट अलाउ करते हैं एंड इट्स पार्ट अंडर अवर कंट्रोल और वो अपने कंट्रोल में होती हैं. ठीक है, राइट. द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. अब क्या डिफरेंस है मेरिस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में. हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन. जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने सेल को डिवाइड कर सकते हैं. परमानेंट टिश्यू हैव लॉस्ट द पावर ऑफ सेल डिवीजन. जो परमानेंट टिश्यू है वो सेल के डिवीजन करने की पावर को क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं. मेरिस्टमेटिक टिश्यू ही कीप, जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं और वही जो सेल होते हैं वही परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं. हैव नॉट अटेन अ डेफिनेट फॉर्म एंड साइज. कोई डेफिनेट फॉर्म एंड साइज नहीं होती है इनकी. हैव अटेन अ डेफिनेट फॉर्म एंड साइज, क्योंकि परमानेंट होते हैं सेल डिवाइड नहीं हो सकता तो इनकी डेफिनेट साइज होती है. लेकिन यहाँ पर जो है वो सेल पर की डिवाइड होता रहता है तो जिसकी वजह से इसकी कोई भी साइज और शेप नहीं होती है. ऑलवेज लिविंग. जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के अंदर जो सेल होते हैं वो हमेशा लिविंग होते हैं, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं. दे हैव थिन सेल वॉल. जो सेल की वॉल्स होती है बेसिकली मेरिस्टमेटिक टिश्यू में थिन होती है. परमानेंट टिश्यू में जो वॉल्स होती हैं सेल की वो थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है. दे डू नॉट हैव वैक्यूल. इसमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि वैक्यूल किस चीज़ के लिए काम आता है, स्टोरेज पर्पज़ के लिए काम आता है और मेरिस्टमेटिक टिश्यू को स्टोरेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. दे हैव लार्ज वैक्यूल. इनमें लार्ज वैक्यूल होते हैं क्योंकि इनमें स्टार्च स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है. नेम द काइंड ऑफ टिश्यूज. अब हमने इसमें क्या होता है, टिश्यूज़ बताने हैं जो हेल्प करते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. कैरीज ऑक्सीजन अराउंड योर बॉडी. कौन सा टिश्यू ऑक्सीजन कैरी करता है पूरे बॉडी में, ब्लड टिश्यू. ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स इन एनिमल्स. एनिमल्स की मूवमेंट में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, मस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है. ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स. कौन सा टिश्यू हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए फूड प्लांट में, फ्लोएम टिश्यू. ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन प्लांट्स. कौन हेल्प करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट में, जाइलम टिश्यू. स्पोर्ट्स एंड एनिमल्स बॉडी. एनिमल्स बॉडी को कौन सपोर्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर लर्निंग असाइनमेंट्स. दिस क्वेश्चंस यू हैव टू लर्न फॉर योर यूनिट टेस्ट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.